Good morning, kids. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Welcome to the Unacademy Topper channel, your one-stop solution for physics, chemistry, and biology. Everybody can see me and hear me. Do let me know in the chat box, मेरे बच्चों. As you know, we are going to start NCERT highlight series 2021 principles of inheritance and variation. भाई सब आ गए? सब देख पा रहे हैं मैम को? स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है? यस, आई थिंक स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है. यस, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? उमदा आवाज आ रही है? उमदा शक्ल आ रही है? तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो. यस बच्चों, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि ताराचंद बोल रहे हैं कि मैम आज हैप्पी बर्थडे है लॉकडाउन का. ये ऐसी इतनी प्यारी बातें तुम लाते कहाँ से हो? कई बार मैं ये सोचती हूँ, इतना दिमाग कहाँ से, इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम कहाँ से लाते हो यार, कहाँ से लाते हो. यस, तो सिंस अब आज जल्दी से सेशन शुरू करते हैं बेटा. दिस चैप्टर इज अ बिग चैप्टर. तो बिग चैप्टर आपको पता है, दिस विल अकर इन लॉट ऑफ पार्ट्स. ठीक है. यस, इस चैप्टर के पार्ट्स बनेंगे और मैं आपसे यही गुजारिश है कि हर पार्ट में पूरी शिद्दत से आना, क्योंकि कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एनसीईआरटी इज लिटिल टफ फॉर अस. सो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग एवरी पार्ट. ठीक है. यस, तो मैम का इंट्रो सबको पता है, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट. बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का. कल मैंने जनरल अवेयरनेस पे एक वीडियो डाली थी मेंटल इलनेस को लेके. आई होप एवरीबडी हैज वॉच्ड दैट वीडियो. क्या आपने सबने वो वीडियो देखी? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. बहुत ही मेहनत से वी आर सर्चिंग, वी आर गेटिंग ऑन टू द थिंग्स जो आपकी जनरल प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स आजकल फेस करते हैं. वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें हम डेली छोटी छोटी वीडियोस डालेंगे, जिसमें टाइम भी कम खर्च हो और इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी मिल सके. तो ऐसी चीजों के लिए बेटा डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. लाइक शेयर जरूर करना है और यस, वो थम्स अप है ना, उस पर क्लिक जरूर करना है. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है. बच्चे यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे हैं. कैसे बढ़ रहे हैं बच्चों? तेजी से बढ़ रहे हैं. 46,000 बच्चे हो चुके हैं. मैं चाहती हूँ आप भी इसका पार्ट बने. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधा इसका पार्ट बन जाएंगे. ठीक है. यस, फिर आते हैं बेटा अचीवर्स प्रो बैच पे. ये हमारा प्रो बैच है और आज से मैम का 60 डेज फुल सिलेबस, 60 डेज फुल सिलेबस नीट का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है प्लस पे. तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दिस इज अ राइट टाइम दैट यू टेक द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैम का ये बैच शुरू हो रहा है. ठीक है. 60 डेज का बैच है, तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं. अगर आप थोड़ा लंबा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इसमें अगर आप जीए नीट रेफरल कोड यूज कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. जीए नीट रेफरल कोड यूज करते सोने पे सुहागा हो जाता है. यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है. तो मेक श्योर अगर आपको ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स, माई क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. फिर आते हैं फ्री टेस्ट सीरीज पे. ये भी हमारी शुरू होने वाली है. इसका लिंक आपको दिया हुआ है वहां पे चैट बॉक्स में. और ये जो वर्ड है ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है, फ्री टेस्ट सीरीज है. ठीक है. बिल्कुल. अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, कॉम्बैट की बात करें तो इस संडे यार बेटा थोड़ा सा लॉल हो गया था, मैंने क्लास रख दी थी. अगले संडे में थोड़ा क्लास का टाइम चेंज कर दूंगी. ठीक है. 28 मार्च वाला कॉम्बैट जो है वो आपकी G² ने बनाया, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट विद फुल जोश. है ना. यस मेरे बच्चों. बिल्कुल. फिर आते, अच्छा फिर आते नहीं है, आप सीधा यहाँ आ गए हैं. अब हम पढ़ाई पे आ गए. अब आते नहीं है, आप सीधा पढ़ाई पे आ गए. ठीक है. यस बेटा, आपको ना मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी. आप कृपया करके ना ये मत लिखा कीजिए कि मैम हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बेटा नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. हम आपको सब चीजें दे रहे हैं. ठीक है. प्लीज ये सब मत लिखा करो. आपके पेरेंट्स ने आप पे बहुत मेहनत की है, सो ये लिख के ना प्लीज डोंट डू दिस मत लिखा करो. हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं. ठीक है. आपके लिए हम यहाँ पे प्लस पे तो अभी शुरू हो रहा है 60 डेज का. यूट्यूब पे तो मैं कब से शुरू कर चुकी हूँ. आप देख रहे हैं हमारा शायद 5वां चैप्टर है फ्रॉम एनसीईआरटी. तो प्लीज ये लिख के बेटा दिल मत दुखाया करो. ठीक है. हाँ बिल्कुल, दिल मत दुखाया करो. आप बस हमारे साथ बने रहो, पढ़ते रहो, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए. ठीक है. तो आज के बाद ये मत लिखना. आपको जो पसंद है हम वो सब कर देंगे. ठीक है. चलिए आइए बेटा, हम दिल बहुत फेंक रहे हैं कुछ बच्चे. चलो इन दिलों को संभालते हुए इट्स अ टाइम वी स्टार्ट आवर स्टडीज दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर. और 4 मिनट हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं. ठीक है. चलिए आइए, जल्दी आइए. तो अब आते हैं यहाँ पे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट? बेटा हाथी का बच्चा हाथी क्यों है? देखो कितना प्यारा सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है. ठीक है. अभी जो आम है, आम का बच्चा आम क्यों है? ये सारे सवाल है जो एनसीईआरटी हमसे पूछना चाहती है. नाउ गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस? फिर नेक्स्ट सवाल पूछती है कि जो हाथी का बच्चा हाथी है क्या वो एग्जैक्ट सेम है? आपका जवाब होगा नो, सेम नहीं होता. जैसे मैं हूं, मैं अपने मम्मी पापा से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो, कुछ अपनी भी क्या है थोड़ी वेरिएशन है, ठीक है। So have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? कभी आपने देखा होगा कि दीपक एंड मेघा दोनों समझ लो कि बहन भाई है, दीपक मेघा बहन भाई है, ठीक है। अभी दीपक मेरे को बहुत ज्यादा ना अंदर से कोसने वाला है, ये मुझे पता है। दीपक मेघा दोनों बहन भाई हैं, तो यहाँ पे देखो आप दोनों के बीच में मान लो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, ऐसा भी क्यों है? तो ऐसी चीजें होती है। बेटा दीपक आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो now these and several related questions are dealt with scientifically. अब इनके पीछे scientific reason क्या है वो हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। सुबह सुबह बेटा ये सब शुरू मत करो चैट बॉक्स में। Now in a branch of biology known as genetics, ठीक है, तो जो branch of biology है जो हमको बेसिकली similarities और जीन से जो डील करती है that is called as genetics, ठीक है। Now this subject deals with the inheritance. अब जेनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इधर जेनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पहली चीज क्या बन जाती है कि जेनेटिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में जाता है, और फिर दूसरी चीज हमें जो पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है वेरिएशंस कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन कितनी अच्छी दी है एनसीईआरटी ने, यहाँ पे ऐसे मैम ने एरो लगाया, मतलब कि दिस इज अ एग्जैक्ट लाइन फॉर बोर्ड्स वाले बच्चे एंड फॉर योर नीट वाले बच्चे। Inheritance is a process by which characters are passed from parent to progeny. तो क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जहां पे आप किसको पास कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को। किसको पास कर रहे हैं बच्चों? कैरेक्टर्स को। सो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस जहां पे हम कैरेक्टर्स को पास कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है बच्चों। फिर इट इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी का बेसिस क्या है। तो बेटा आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? हेरिडिटी क्या है हेरिडिटी का बेसिस? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? दैट वुड बी इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना अब वेरिएशन की डेफिनेशन भी दिया है एनसीईआरटी, तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। Variation is the degree by which progeny differ from their parents, ठीक है। Variation क्या है? ये basically एक degree है कि हम अपने माँ बाप से कितना अलग हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास केचुआ है, केचुआ बिल्कुल भी पेरेंट से नहीं मिल रहा है, तो यानी कि हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन है। वहीं पे हमारे पास अनुराग है, ठीक है। अब अनुराग कह रहे हैं कि मैम इंक्रीज द वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम बहुत तेज है, अपने सिस्टम की इंक्रीज कर वॉल्यूम, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या अनुराग बिल्कुल अपने पापा मम्मी का रेप्लिका है, तो यहाँ पे हम कहेंगे वेरिएशन बहुत कम हुई। तो बेसिकली वेरिएशन को जो डिफाइन करते हैं एनसीईआरटी कैसे करते हैं, इट इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं कि सबसे पहले व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज वेरिएशन, ठीक है। अगर वेरिएशन ज्यादा तो लिंकेज क्या होती है मेरे बच्चों? चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, चलिए बताइए। तो अगर यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है तो मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, मतलब कि लिंकेज कम हुआ। लिंकेज क्या हुआ? कम हुआ। तो वेरिएशन और लिंकेज के बीच में जो रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, ठीक है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, ठीक है। नाउ ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 बीसी। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ये वो बीसी नहीं है जो तुम आम जिंदगी में यूज करते हो डेली में अपने दोस्तों को प्यार से बुलाने के लिए, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। That one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. तो हमको पहले से पता था कि ये सारा झोल किस प्रोसेस का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो इसी के कारण क्या आ सकता है? वेरिएशन आ सकता है। ये हमको पता था 8000 से लेके 1000 बीसी तक, इतना हमको आइडिया था, ठीक है बच्चों। जरा एक सेकेंड हम फोन को ना जरा एयरप्लेन मोड पे डाल दे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं सब। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नाउ दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड, यानी कि उस जमाने में भी इंसानों को चैन नहीं था, बिल्कुल चैन नहीं था। उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल क्यों दिख रहे हैं, इनको बिगाड़ना जरूरी है, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू कर दी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए एक गाय है, कमजोर है बट दूध ज्यादा देती है, दूसरी गाय हट्टी कट्टी है बट वो दूध कम देती है, तो हमने उन दोनों को ब्रीड करके ऐसे गाय बना दी जो हट्टी कट्टी भी और दूध भी ज्यादा देती है। सो सच टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। एंड सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। अब जो गाय हमने बना दी, जो गाय हमने बना दी वो किस कैरेक्टर्स के, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के, भाई हट्टी कट्टी है, काम बढ़िया करेगी, ठीक है, दूध भी बहुत देती है, तो मतलब कि सब हंस पुष्ट, सब बढ़िया रहेंगे, घी निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे, सर्दियां आते व्हाइट बटर निकालेंगे, पराठों पे रख के खाएंगे, तो ये सब प्रोसेस खूब चलती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन के आगे आपको एक चीज लिखनी है जो एवोल्यूशन चैप्टर से मैं रिलेट करके बता रही हूं कि ऑल आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। इस चीज को तो लिख लो, एनसीईआरटी से हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑल आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। आई बात समझ में? बेटा 2 साल पहले नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था रोजी का, अवनीश गोयल बहुत ही बढ़िया बच्चा, अवनीश ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि बेटा 2 साल पहले नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा था रोजी से रिलेटेड। रोजी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कि जो बेसिकली रोजी काऊ हमने बनाई वो किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। तो आपको बस पता होना चाहिए था रोजी एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाई गई है। अगर आपको ये हिंट पता होता तो आपका सीधा आंसर आ जाता डायरेक्शनल सिलेक्शन विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नाउ थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल wild cows, we have well-known Indian breeds called Sahiwal cows in Punjab. Very important. कई बार बच्चों को हम strategies वाले chapter से साहिवाल काउ पूछ लेते तो कहते हैं मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया। हम कहते हैं भाई कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, यहाँ पे साहिवाल काउज लिखे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि साहिवाल काउ बेसिकली एक तरह का एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। और ये जो काउ है ये पंजाब में बनाई गई थी थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, प्लस दीज काउज यील्ड हाई अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड हाई अमाउंट ऑफ मिल्क, हाई अमाउंट ऑफ मिल्क। तो ये बात हो गई किसकी, साहिवाल की। किसकी बात हो गई बेटा, साहिवाल काउज इन पंजाब। इसको बिल्कुल डब्बे में डाल लो। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, that very little idea about scientific basis, ठीक है। इतना सबको समझ में लगा। फर्स्ट पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ है जो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। देखो सच बात बता रही हूँ, ये वो पैराग्राफ है जो कोई पढ़ता ही नहीं है। इस चैप्टर का सीधा मेंडल से स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम भी 5.1 यानी मेंडल से शुरू कर रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक एक शब्द पढ़ेंगे। आर यू विद मी, यस और नो? यस, चलिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यानी कि मिड-19 में हमने सोचा चलो इनहेरिटेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो वहां पे ग्रेगोर मेंडल, ठीक है, क्या नाम था बेटा, ग्रेगोर मेंडल, ठीक है, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा किया था मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहीं पे मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्या ये एक्सपेरिमेंट इंट्रास्पेसिफिक था या इंटरस्पेसिफिक था? आप जवाब दो चैट बॉक्स में। मान लीजिए ये सब तो दिया है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ये इंट्रास्पेसिफिक था या इंटरस्पेसिफिक था? तो बच्चे कौन सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा आंसर बताएगा, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। सिंस इट वाज बिटवीन पाइसम सटाइवम एंड पाइसम सटाइवम, तो ये हो गया इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, ठीक है ना। कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, अब ये कंडक्ट किस पे किया गया? गार्डन पी। गार्डन पी का ही साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। अगर पी की बात करें तो इसमें प्लेसेंटेशन कौन से टाइप का होता है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम। यस, कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन पी में देखने को मिलता है जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन सा टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन वी सी इन द केस ऑफ पी? मार्जिनल, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने। इट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन दैट वी सी इन केस ऑफ पी प्लांट और पाइसम सटाइवम। बिल्कुल सही आंसर दिया, मार्जिनल इज द राइट आंसर। द सेकंड क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सीड्स दैट वी फाइंड इन द केस ऑफ पी प्लांट इज एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। कौन से टाइप ऑफ सीड्स मिलते हैं हमें इन केस ऑफ पी प्लांट? एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, जल्दी आंसर बताइए। यस, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे चैप्टर्स के करेंगे और यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे जिसे बार बार करने से हमें ये सारी चीजें याद हो जाए। एक्स एल्ब्यूमिनस इज द राइट आंसर। इसमें मिलता है एक्स एल्ब्यूमिनस यानी कि विदाउट एंडोस्पर्म। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या हो गया? दे आर विदाउट एंडोस्पर्म, विदाउट एंडोस्पर्म। ठीक है भाई, यही मतलब हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। गार्डन पी फॉर 7 ईयर, तो 7 साल एक्सपेरिमेंट चला, 7 ईयर्स, एंड द टाइम वाज बिटवीन 1856 एंड 1863। ठीक है, and proposed the law of inheritance in living organism. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were used in biology. देखो बेटा, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हें हम मॉर्फो पढ़ा दे, नाटमी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, यू पीपल आर हैप्पी। ठीक है, बट वहीं पे जहां पे हार्डी विनबर्ग ले आए, अभी 4 बच्चे कहते हैं मैम हार्डी विनबर्ग अभी करा दो, मैम 5 क्वेश्चन करा दो, अभी करा दो। यस मैम, 5 क्वेश्चन अभी की अभी करा दो। ठीक है, यस, क्यों? क्योंकि वहां पे मैथ्स आ रहा है। तो जब मेंडल ने मैथ्स यूज किया विद बायोलॉजी तो एवरीबडी वॉज लाइक ये क्या है, अजी ये क्या है, नोबडी एक्सेप्टेड इट। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि डार्विन एक्चुअली इग्नोर्ड, शायद उनका मैथ्स कमजोर रहा होगा तो वो मैथ्स समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो बेटा यही चीज है कि फर्स्ट टाइम था कि मैथ्स यूज किया गया। नाउ हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज। अब देखो उसके एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स है जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला इधर देखिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज। फर्स्ट थिंग, एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज था, which gave greater credibility to the data which he collected. अब क्यों है लार्ज सैम्पलिंग साइज? इसका assertion reason मैं बहुत अच्छा बना सकती हूँ। इस लाइन से मैं इतना उमदा assertion reason बना सकती हूँ, कैसे? I'll tell you। बट एक बात बताओ, mean value, आप हर चीज की mean value लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि आपको पता है वो average value है जो सबसे correct है। ठीक है, मान लीजिए आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं, 2 में से 1 को कोरोना हो गया, तो आप कहेंगे भाई 50% ऑफ द पॉपुलेशन को तो कोरोना होता है यहाँ पे। क्यों? आपका साइज इतना छोटा है कि आपने 50% सीधा कह दिया। वहीं पे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं और 1000 में 1 को कोरोना हुआ है, तो 1/1000 हो गया ना, तो एवरेज देखो कितनी कम हो गई। तो जितना बड़ा सैम्पलिंग साइज होगा उतना एक्यूरेट डेटा आपको हमेशा मिलता है। सो दैट इज द रीजन कि इसके डेटा पे हम विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड विद अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। ठीक है, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स प्रूव्ड that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantial ideas. तो बेटा इतनी मेहनत के बाद फिर कहा गया कि ठीक है, मेंडल ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया। ठीक है, यस, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट्स। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, ट्रेट। अब ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मुझे कौन चैट बॉक्स में बताएगा? सबसे पहले मैम लिख रही है कैरेक्टर, फिर मैम लिख रही है ट्रेट। ये 2 शब्द आपने देखे, अभी तक हमने ये 2 शब्द पढ़ लिए हैं। इन दोनों में फर्क क्या है ये मुझे कौन बताएगा? यस, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, इन दोनों में फर्क क्या है? कैरेक्टर, हाइट एक कैरेक्टर है या नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आप कहेंगे यस मैम, ठीक है, बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल मैम, जो हाइट है वो एक कैरेक्टर है, बट लंबा छोटा क्या है, उसके टाइप्स है। टाइप्स क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा आपका स्किन कलर, स्किन कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब स्किन कलर में काला, गोरा, मीडियम, मुलट्टो कुछ भी आ सकता है, तो वो क्या हो गया, उसका ट्रेट हो गया। ठीक है, तो कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप वाइल ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलील्स, ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलील्स। तो ये दो चीजें हो गई। तो कैरेक्टर एक ब्रॉड यूनिट है जिसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। ठीक है बच्चों, आए ये वर्ड समझ में। नाउ एग्जांपल, टॉल और डॉर्फ प्लांट्स। टॉल और डॉर्फ प्लांट क्या है, इसके ट्रेट्स हैं, बट हाइट ऑफ द प्लांट क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अगर हम ये पूरा चार्ट देखें तो कितने कैरेक्टर्स दिए बच्चों, टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर इस पूरे चार्ट को देखें जो एनसीईआरटी ने हमको दिया है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में कितने दिए हुए हैं, 5 कैरेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 कैरेक्टर दिए हुए हैं। हर कैरेक्टर का 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। तो टोटल, अरे नालायको इस वाले का पूछ रही हूँ बेटा, इतना तो मत रटा करो, जो क्वेश्चन पूछो उसके हिसाब से जवाब दिया करो। माना 7 होते बट यहाँ तो 5 बने हुए हैं अभी, बट थोड़ा कॉमन सेंस है, ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली आंसर मत क्या करो, है ना सिम्मी। यस, ब्लाइंडली आंसर मत क्या करो, यहाँ का पूछा है मैम ने, ये थोड़ी पूछा टोटल उसने कितने यूज किए, ऐसी चीजें करते हो तुम लोग। 5 कैरेक्टर है, तो इसके आप देखो टाइप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टाइप्स हो गए 10 टाइप्स, यानी कि 10 ट्रेट्स हो गए। क्या हो गए, 10 ट्रेट्स हो गए। आया कि नहीं आया समझ में ये बात। यस बेटा, बिल्कुल रटना नहीं है, जो क्वेश्चन जो मैम लाइव पूछ रहे हो उसके हिसाब से जवाब दिया करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आप देखो यहाँ पे बाकी के 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ वाले चार्ट में 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं और 4 टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं यहाँ पे ना, द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन, ये तो पढ़ लिया ना हमने। यस, दिस अलाउड हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, तो मैम ने यहाँ पे लाइन लगा दी है क्योंकि यहाँ से खेल शुरू हो रहा है किसका, मेंडल का। किसका खेल शुरू हो रहा है बच्चों, मेंडल का। ठीक है, बिच्छू का खेल नहीं है, मेंडल का खेल है। ठीक है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, सबसे पहले उसने पॉलिनेशन कौन सा लिया, आर्टिफिशियल, यानी कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ नहीं आया, कोई हवा का रोल नहीं है, कोई वाटर का रोल नहीं है, रोल है तो सिर्फ किसका रोल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मेंडल का रोल है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। ठीक है, अब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या फिर वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, या तो फिर वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, बट वो हेट्रोजाइगस तो नहीं होगा, हेट्रोजाइगस नहीं होगा। ठीक है, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन, कहाँ कुछ कट गया, कुछ मिसिंग है क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ मिसिंग है क्या बेटा, लग तो रहा है आज जो ही मैम ने थोड़ा सा खेल खेल दिया। यस, जी स्क्वायर के साथ, कोई नहीं बेटा, देखना, हाँ तुम देखना, मैंने समझा दिया है। ठीक है, यस समझा दिया मैंने, हाँ कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी है, तुम तो बताओ। हाँ मिस हुआ है, कुछ तो मिस हुआ है, बट मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है। हाँ मैम एक पैरा गायब है, देखना आगे क्या, वो पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ था क्या, नहीं वो मिसिंग ही हो गया, सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी। यस, हाँ तो कोई नहीं, फिर अब हम यहीं से करते हैं, लास्ट की 6 लाइन मिसिंग है, कोई नहीं, हम जूही मैम को बोलेंगे ऐसा नेक्स्ट टाइम ना करें। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसने 7 कैरेक्टर्स लिए, जो नीट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। 7 कैरेक्टर्स हैं टोटल, अगर 7 कैरेक्टर्स है तो जीनोटाइप कितने हैं, जल्दी बताओ चार्ट बॉक्स में, यही टेबल के सामने लिख लिया करो मेरे नालायकों, सब कुछ बाद का वेट मत किया करो। ठीक है, यस, तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है, तो जीनोटाइप कितने हो गए, 7 जीनोटाइप हो गए, कितने हो गए, 7 जीनोटाइप हो गए। ठीक है, अब 7 कैरेक्टर है, 7 जीनोटाइप है, तो नंबर ऑफ एलील्स कितने हो गए? 14 एलील्स। अगर एलील्स 14 हैं तो ट्रेट्स कितने हुए? 14 ट्रेट्स हो गए। और ये ट्रेट्स आपस में क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग। आपस में क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग। आपस में क्या है बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम हाइट, टॉल और डॉर्फ, फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो ये हो गया टेबल। ठीक है, अब आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो यहीं पे लिख लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ अ जीन। और ये एड्रेस ऑफ अ जीन क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। बेटा ऑपोजिट, ठीक है, यस। नाउ जीन क्या है? जीन का जो एड्रेस होता है, जीन के एड्रेस के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हम लोकस। क्या यूज करते हैं? वर्ड लोकस या लोसाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पकड़े बच्चे। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो आइए बेटा इसका क्रॉस बनाते हैं। यहीं पे मैम के साथ सब बच्चे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस बनाएंगे, फिर इसको हम पढ़ेंगे, देन वी विल आइडेंटिफाई कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे सबसे पहले हम पेरेंट ले रहे हैं। पेरेंट क्या है? ट्रू ब्रीडिंग है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, ट्रू ब्रीडिंग है। तो ये कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाला क्या हो गया? टॉल हो गया। स्मॉल टी वाला क्या हो गया? डॉर्फ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब पेरेंट के गैमीट बनेंगे। गैमीट कौन सी प्रोसेस में बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो जब गैमीट बनेंगे तो इसका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, यानी कि कैपिटल टी टाइप का गैमीट बनेगा। इसका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, यानी स्मॉल टी। ठीक है, अब जब F1 जनरेशन आएगी, अब F1 जो जनरेशन आई उसमें ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बन गए? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया बेटा। तो यानी F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स दिखने में कैसे हैं? सुन रहे हो सवाल? F1 जनरेशन में दिखने में सारे प्लांट्स क्या है? टॉल। ठीक है, तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होगा? ऑल टॉल, ऑल टॉल, सबके सब टॉल होंगे। ठीक है, वहीं पे इसका जीनोटाइप क्या है? सबका एक ही जीनोटाइप होगा, यानी सबके सब हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी, सबके सब हेट्रोजाइगस है, यानी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब F2 जनरेशन, अब F2 जनरेशन की बात करें, यहाँ पे कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे बच्चों? कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे? 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अब 2 टाइप्स के, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चलो फ्यूज करा लेते हैं। लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया आपका पुनेट स्क्वायर। बन गया जी, बन गया। अब यहां पे हम रेशो निकालेंगे, तो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या है? यहाँ का फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? आप देख सकते हैं ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, तो ये हो गया 3:1। वहीं पे जीनोटिपिक रेशो इसका देखेंगे तो ये क्या होगा? 1:2:1, क्योंकि ये कैपिटल टी हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस and this is homozygous recessive condition। आगे सबको समझ में? चलिए अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं हमने जो बनाया वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। Now let's start from here। He collected the seeds, produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। This generation is called as filial 1 और F1 generation। तो F1 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या है? फीलियल 1 प्रोजेनी। क्या है? फीलियल 1। ठीक है, और तो F2 क्या हो गई? फीलियल 2 हो गई। ठीक है, F2 क्या हो गई बच्चों? फीलियल 2 जनरेशन, राइट। अब देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। क्या मैम ने वही लिखा है? आपने भी वही लिखा है, तो दिल बनाएंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? F1 प्रोजेनी वर टॉल। ठीक है, लाइक वन ऑफ द पेरेंट नन वर डॉर्फ। कोई भी डॉर्फ नहीं थी। ठीक है, he made similar observation for the other pair of traits, he found that the F1 always resembled either one of the parent. तो F1 generation जो है हमेशा एक ना एक parent से मिलेगी जो dominant रहेगा. And that the trait of the other parent was not seen in them. तो क्या इसमें dwarf दिखा? Dwarf वाला दिखा F1 generation में? बिल्कुल भी dwarf नहीं दिखा. ठीक है? अब चलते हैं next पे. Now Mendel then self-pollinated the tall F1 plants to his surprise, found that in the filial two generation. जब उसने F1 को क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट या सेल्फ पॉलिनेट, ये भी सवाल हो सकता है ना, ये भी सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. मैम व्हाट क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम दिस पेज, इस पेज से क्या क्वेश्चन आया? इस पेज से बेटा बहुत सारा क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको बताती हूँ. अभी बच्चे कह रहे हैं मैम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, उसमें से क्वेश्चन कैसा है और कहाँ से आया? बेटा अभी बता रही हूँ तुम्हें. ये जो पूरा आपने क्रॉस बनाया ना, ये क्रॉस हमने पढ़ के बनाया है. ठीक है, यस. तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट किया उसने किसको? F1 जनरेशन को. किसको? F1 जनरेशन को. ठीक है. नाउ फीलियर टू जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉफ, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस. तो जो कैरेक्टर F1 में दिखा ही नहीं वो F2 में नजर आने लग गया. ठीक है. Now the proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 generation, while 3/4 of the F2 plants were tall. अब यहां से मैम कराएगी न्यूमेरिकल. करे बेटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी पैराग्राफ से. कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए मैं आज आपको बताती हूँ. अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं टू मेक श्योर कि वी हैव मेड अ कॉन्सेप्ट नाइस एंड क्लियर. ठीक है. तो इसमें से कैसे आएगा चलिए निकालते हैं. ओके, इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1,000, if in a population of 1,000 pea plant, ठीक है, in a population of 1,000 pea plant, it was observed that 750 were tall. Calculate the probability of dwarf in F2 generation. चलिए बेटा give me the answer, everybody give me the answer. बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, try to attempt the question, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. Probability, आप देखो बच्चों ने किसी ने 250 बोला, किसी ने 1/4 बोला. जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले अगर 750 टॉल है तो ऑब्वियसली बात है 250 आपके डॉफ होंगे. टोटल कितने हैं? 1,000. ठीक है. तो ये आ गया 1/4, 0.25. दिस वुड बी योर मोस्ट एक्यूरेट आंसर अमंग ऑल 4 ऑप्शंस. आया कि नहीं आया समझ में? विल यू बी एबल टू डू न्यूमेरिकल्स कि कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे? बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. खैर मैंने अभी रीडिंग किया, अभी क्वेश्चन कराया, तो इसलिए सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है. सबसे पहले आई वुड अप्रिशिएट ऑल द जी स्क्वायर आर्मी कि दे आर सो प्रो इन गिविंग एवरी आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से. ठीक है बच्चों, अब हम आगे रीड करते हैं. द टॉल एंड डॉफ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. अब देखो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है. अब मान लो आपने एक ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर क्या होता है? मिक्सी. ठीक है, मिक्सी ली, मिक्सी में आपने डाला दूध और आपने डाला सेब. अभी दोनों अलग हैं, जब ब्लेंडर चला दिया तो दोनों मिक्स हो गए. तो बेसिकली ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पे देसी मतलब है मिक्सिंग. क्या मतलब है बेटा? मिक्सिंग. तो इससे क्या पता लगता है? टॉल, अगर उसके पास कैपिटल टी है तो वो टॉल ही होगा, अगर स्मॉल टी है तो वो डॉफ होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो मीडियम हाइट का हो जाए. अगर वो मीडियम हाइट का हो जाता तो आप कहते थे मैम ब्लेंडिंग हो गई है, तब आप क्या कहते हैं? मैम ब्लेंडिंग हो गई है. ठीक है. और ब्लेंडिंग किस में होती है वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट फिनोमिना में बताऊंगी. दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और डॉफ. अगर टॉल और डॉफ है सिर्फ तो यानी कि नो ब्लेंडिंग है, नो ब्लेंडिंग. अगर वहीं पे मैं आपसे कह दूं कि मीडियम हाइट के भी थे, इसमें टॉल डॉफ एंड मीडियम हाइट, तब आप कहते हैं मैम ब्लेंडिंग हुई है, ब्लेंडिंग उस केस में हुई है. None were of in between height, तो कोई भी इन बिटवीन हाइट वाले नहीं थे. ठीक है, yes. अब चलते हैं next. Similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation. While at F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. तो जहां पे F1 जनरेशन में 4:0 रेशियो आ रहा था, जहां F1 जनरेशन में 4:0 रेशियो आ रहा था, वहीं पे F2 जनरेशन में आपका 3:1 रेशियो आ रहा था. So this contrasting traits did not show any blending at either F1 or F2 stage. आ गया सबको समझ में? Tell me in the chat box. Done? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. साउंड ग्लिच मैम होना तो नहीं चाहिए. Yes. थैंक यू संतोष. आ जाओ बेटा, आ जाओ. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. सो हियर वी हैव पूरा प्रोसेस जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है. अब हम एक एक स्टेप के बारे में यहाँ पे लिखेंगे. लिखना शुरू करें बच्चों. दैट व्हाट एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू टेल अस. चलिए यहाँ पे लिखते हैं. लेट्स स्टार्ट. आ जाओ. सबसे पहले आपका फ्लावर है. द फ्लावर व्हिच यू सी हियर इज बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में. यस, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है. जल्दी बताइए. कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों, जल्दी जल्दी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्पेल है, स्टेमिन है, आंतर है, स्टिग्मा है, पेटल है. तो जब यहाँ पे ये पिस्टिलेटेड भी है और ये स्टेमिनेट भी है, तो दिस बिकम बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो सबसे पहले इन्होंने कहानी किससे शुरू की? बाइसेक्सुअल फ्लावर से शुरू की. उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ है. ये किसका हाथ है? पूजा गोला का हाथ है. गोला पूजा का हाथ है. रिमूवल ऑफ एंथर्स. तो जब भी हम एंथर्स को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. सो द रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एंथर्स रिमूव करके इन्हें स्टोर कर लिया है. क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है. ये स्टोर हो गए अब. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे स्टोर करके रख लिया. ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन. अब यहाँ पे सेलेक्टिव पॉलिनेशन हो रही है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो रही है. अब मान लो कि इसने इसी के साथ पॉलिनेट कराना है, इसी का एंथर यूज करना है, तो इसके हटाओ, दूसरे के छिड़क दो उसके स्टिग्मा पे. ठीक है. इस तरीके से आप उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है. मैम डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप में फिनोटाइप. बेटा किशोर आज तो मजे लेने आया क्या क्लास में? एक सेकेंड बेटा किशोर, देख मैं बहुत प्यार से बच्चों से बात करती हूँ, तो मेरा प्यारा बच्चा भी है. आज तो मजे लेने आया क्लास में, तो मुझे बता अभी हाइड द यूजर हो जाएगा. तो मेरे को बिल्कुल अच्छा ही लगता है यार, मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ यहाँ पे. अभी मजे लेने आया तो बताओ जरा, फिर मैं पढ़ाई को साइड में रखूँ, फिर मैं भी चालू हूँ यहाँ पे. यस, चलो आ जाओ अब जरा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. नाउ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमीट्स. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? गेमीट्स. जो भी चीज पास कर रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, किसके थ्रू पास कर रही है? गेमीट के थ्रू. ठीक है. सो यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली इट इज अ यूनिट थ्रू विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है भाई, यहां से ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. He called these things as factors. भाई उसे लगा कि ये factors है. तो गेमीट के अंदर कुछ होता है जिसे उसने factor बोल दिया. वो factor basically क्या? आपके genes होते हैं. Now we call them genes. तो गेमीट्स के पास according to Mendel factors है. इन्हीं factors को आज की डेट में हम genes बोलते हैं. और genes कहाँ पे present होते हैं? DNA पे present होते हैं. कहाँ पे present होते हैं बेटा? DNA में present होते हैं. ठीक है. Therefore, the units of inheritance. तो ultimate gene becomes a unit of inheritance, and inheritance is a basis of heredity. तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, दो क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके आपके. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दो क्वेश्चन. बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या था? बेसिस ऑफ हेरिडिटी फर्स्ट लाइन, उसका आंसर था इनहेरिटेंस. नेक्स्ट यहाँ पे वो लिख रहा है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्या है? जीन्स है. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बच्चों? जीन. ये हो गई जीन. ठीक है, ये हो गया जीन. नाउ दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स. तो यानी कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं उसके लिए जो कोड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं. They are slightly different form of the same gene. और एलील्स क्या होते हैं? बस थोड़े से different form है किसके? जीन के. ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम और सेम क्रोमोसोम। बताना जरा चैट बॉक्स में, बताना जरा चैट बॉक्स में, टेल मी इन द चैट बॉक्स, जो हमारे ये एलील्स है ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे तुम फंस जाते हो। यस, बताइए, homologous chromosome would be the right answer. So these alleles are present on homologous chromosomes. Homologous chromosomes, right मेरे बच्चों? ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। If we use alphabetically symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other. तो कैपिटल ए वाला डोमिनेंट हो जाएगा, स्मॉल ए वाला रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट एलील है, और ये वाला रिसेसिव एलील है, ये वाला रिसेसिव एलील है। ठीक है बच्चों, नाउ फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सब तो हम कर लेंगे, ठीक है, ये सब हम कर लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Now Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are, चलो देखते हैं इधर, आइडेंटिकल और होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के ऊपर लिखेंगे कैपिटल ए सिचुएशन होगी, इसे होमोजाइगस कह सकते हैं, या फिर स्मॉल ए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, नाउ दीज आर जीनोटाइप, सो जिस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? जीनोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, अगर साक्षी को फीवर हो गया तो साक्षी बता देगी ना, है भाई? ई हैगी, एक तो नाम समझ नहीं आ रहा, ई हैगी मतलब बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बेटा अच्छे से नाम लिखो अपना, ई हैगी। बेटा साक्षी को फीवर है, साक्षी हमारे साथ है, हमारी दुआएं उसके साथ है, बट ई हैगी, आप हमें परेशान ना करो प्लीज, थैंक यू। चलो अब आ जाओ इधर। नाउ ऑफ द प्लांट, व्हाई द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉफ आर फॉर द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या, बेसिकली जो विजिबल, जो विजिबिलिटी, जो आपकी आंखों से दिख रहा है। ठीक है, यस, सो फिनोटाइप इज बेसिकली विजिबिलिटी, दिस इज विजिबिलिटी ऑफ अ कैरेक्टर। कितना एक कैरेक्टर विजिबल है आपकी आंखों के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygous TT to be exactly like the TT parent in appearance, he proposed that in a pair of, आप देखो important, in a pair of dissimilar factor, one dominates the other and hence it is dominant factor while the other is recessive. ठीक है, तो एक dominant है जो express कर रहा है, दूसरा वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है basically आपका genotype है। In this case, capital T is dominant over small t, that is recessive. He observed identical behavior for all characters. यही उसने behavior all characters के लिए भी observe किया। ठीक है, now it is convenient and logical to use the capital and lowercase. बेटा कितनी बोर एनसीईआरटी लिखी है यार, सच बता रही हूँ। तुमने पढ़ी है ऐसे एनसीईआरटी वाले चैप्टर की? क्योंकि हम लोग कभी ना एनसीईआरटी का पैटर्न, हम इसके बस पॉइंट्स उठाते हैं बेसिकली। मैंने भी जब जेनेटिक्स पढ़ाया था तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉइंट कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब हमने कभी नहीं पढ़ाया। मैं सच बता रही हूँ यार, कोई टीचर नहीं पढ़ाता। बोर लिखी यार एनसीईआरटी, हद है यार, बच्चे भाग जाएंगे, मैं भाग जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, हाँ एक बार तो सब पढ़ते हैं यार, हाँ एक बार सब पढ़ते हैं यार, बट ठीक है एक्चुअली ना ये वाली सारी चीजें अब इतनी ऑब्वियस हो चुकी है कि बच्चे कह रहे अरे यार। चलो मैम, चलो बेटा अब मेन चीज पे चलते हैं। ठीक है, एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगस, कैपिटल डी, स्मॉल टी, और कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस। भाई मेजर कहाँ है, मेजर न्यूज कहाँ पे जो मेरे को पढ़ानी है? बेटा डोंट माइंड, माना यूट्यूब है बट कोई नहीं। चलो आ जाओ मैम के साथ आ जाओ। नाउ मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में बेटा कितने जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं? सिंगल जीन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगल जीन इंटरेक्शन, सिंगल जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल जीन इंटरेक्शन। ठीक है, एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, अब देखो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लॉज की बात करेंगे। ठीक है, यस, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes, by the meiosis the alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and this is called law of segregation. चलिए आइए बेटा इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट को समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। ठीक है, यस, चलिए आइए मैम के साथ आइए समझते हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि ये मदर है, फादर, ठीक है, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। सबसे पहले तो बताइए कितने होमोलोगस क्रोमोसोम मैम ने बनाए हैं, कितने होमोलोगस क्रोमोसोम मैम ने बताए हैं। ठीक है, जल्दी बताइए चार्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जब इसमें गैमीट बनेगा तो एक गैमीट कैपिटल ए वाला बनेगा, दूसरा गैमीट स्मॉल ए वाला बनेगा। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, दैट इज स्मॉल ए। एक ही टाइप का गैमीट बना। अब देखो बेटा, ये वाला स्मॉल ए इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब आप ध्यान से सुनिए मैम का कॉन्सेप्ट, ये वाला गैमीट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50%, 50% प्रोबेबिलिटी है। ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। ठीक है, तो जब मियोसिस होता है, जब गैमीट्स बन रहे हैं तो दे सेग्रीगेट, दे सेग्रीगेट। अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा इंडिपेंडेंटली, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है। ठीक है, सो दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, ये एक रैंडम प्रोसेस है। क्या, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील एज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट। तो ये 50% समझ में आ गया आपको, आया कि नहीं आया समझ को, आ गया सबको, यस। तो ये हो गया हमारा पूरा सेग्रीगेशन। अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों, हेट्रोजाइगस कंडीशन। नाउ दिस बॉक्स दैट वी फॉर्म इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। यहां पे आते हैं, एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है भाई बच्चों, कल मैं बैठ के पढ़ाऊंगी ये वाला चैप्टर, मुझे ऐसा फील आ रहा है। यस मैम एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, मैम इज हियर। अब देखो इधर, इट इज अ ग्राफिकल। नाउ व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? सबसे पहले तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट रेगिनाल्ड सी पुनेट ने दिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीन और टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो बेसिकली पुनेट स्क्वायर क्या करता है बच्चों, पुनेट स्क्वायर, अच्छा यार रुको, कोई नहीं बच्चों, क्लास को अब इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। चलो बेटा कोई नहीं, बेटा कोई नहीं। अब ना यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा रही हूँ, काफी टाइम हमने यहाँ पे अभी पढ़ लिया है एनसीईआरटी। अब मैं तुम्हें फटाफट क्वेश्चन कराने शुरू करती हूँ, इस लाइन को मार्क कर लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब चलो पहले फटाफट, तुम्हें ये हमने कर लिया, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो वी कुड स्किप दिस पार्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन बेटा, विल डू स्टार्ट क्वेश्चन। जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं मार्क करा रही हूँ, एक एक लाइन पढ़ के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है इस चैप्टर में। Now based on the observation on monohybrid cross, Mendel proposed 2 general rules। तो सबसे पहली चीज क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 रूल्स निकलते हैं। हमेशा याद रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ 2 ही रूल्स निकलते हैं। ठीक है, पहला रूल है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे Characters are controlled by discrete unit called factors। Factors कुछ नहीं बल्कि genes हैं। तो जितने भी हमारे characters हैं उसे control कौन कर रहा है बेटा? Factors, या फिर control कर रहा है आपके genes। Factors occur in pairs। उन pairs को क्या कहते हैं हम? Alleles। क्या कहते हैं उनको? Allele। ठीक है? In a dissimilar pair of factor, one of the pair डोमिनेट्स ओवर द अदर। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसे डोमिनेंट अलील बोलेंगे, जो सप्रेस हो रहा है उसे हम रिसेसिव अलील बोलेंगे। ठीक है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। देखो यही मेजर क्वेश्चन है, ब्लेंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आ गया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आंसर नहीं जाएगा, आपका जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, वेरी अच्छा। टेस्ट क्रॉस था क्या इससे पहले? आज ये जूही ने क्या किया है मैं अभी देखती हूँ बेटा, लेट मी सी, अभी देख रही हूँ, डोंट वरी, मैं अभी खुद करा दूंगी टेस्ट क्रॉस, मुझे भी आता है, yes, मैं खुद ही करा दूंगी, डोंट वरी. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation through one of these is not seen in the F1 generation. तो जहां पे blending शब्द आ जाएगा वहां पे कौन सा चला जाएगा, law of segregation चला जाएगा. ठीक है. Now though the parents contain two alleles during gamete formation, the factorial alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. अब चल रहे जरा पीछे वाले पे, टेस्ट क्रॉस पे. ये है टेस्ट क्रॉस. आ जाओ बेटा, अब टेस्ट क्रॉस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके क्वेश्चन भी करेंगे. सो आर यू एक्साइटेड फॉर न्यूमेरिकल्स? मैं खुद ही बना रही हूँ. यस, आ जाओ. मैम आपको तो आते हैं. हाँ, ये बात भी सही है. वैसे बच्चों ने बहुत अच्छी बात बोली यार. बच्चों, आई एम रियली सॉरी. यस, आई एम रियली सॉरी. मुझे तो ये आता ही है. बेसिकली मेरे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं. दिस इज माई मिस्टेक. सच में यार, बच्चों ने बहुत अच्छी बात बोली. आई शुड से सॉरी फॉर दिस, सीरियसली सॉरी बच्चों यार, आई एम रियली सॉरी. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे यार जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे. ये गलती सच में मेरी है. सॉरी यार बच्चों, यार मुझे फर्स्ट टाइम बहुत बुरा लग रहा है यार. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. माफ कर दो यार थोड़ा सा मैम को यार. चलो अब यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ. ठीक है, मतलब अच्छे से एक एक लाइन कवर करती हूँ. सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चों. चलो अब यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस करेंगे. ठीक है, टेस्ट क्रॉस बेसिकली होता क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई. क्या पर्पस है टेस्ट क्रॉस करने का? इस पे क्वेश्चन बहुत आता है. जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा, ये वाले का फिनोटाइप क्या है? चलिए बताइए. इस वाले का फिनोटाइप क्या है बच्चों? इसका फिनोटाइप भी क्या है? टॉल है. इसका फिनोटाइप भी क्या है? टॉल है. आपको अपनी आंखों से पता है कि ये टॉल प्लांट है, बट आप ये बता सकते हैं कि वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है? ये तो हम नहीं बता सकते. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस. ठीक है, हमको पता है कि एक बगिया है, बाग के अंदर बहुत सारे फूल हैं, जिसमें से 50% लंबे दिख रहे हैं, 50% छोटे दिख रहे हैं. बट वो 50% जो लंबे वाले हैं वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये हमको नहीं पता. ठीक है, तो हम यही देखकर हमें यही पता करना है, जिसके लिए हम टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? इन दोनों को ही हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से. किससे क्रॉस कराएंगे बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म से कराएंगे. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स से हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है. अब यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे मैम बना रही है. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा अपना पुनेट स्क्वायर. मिला बच्चों, ये पुनेट स्क्वायर मिला. तो आप देख सकते हैं कि अगर बाग में सारे लंबे पेड़ हैं तो आप कहेंगे कि पक्का ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा. क्या होगा? पक्का होमोजाइगस डोमिनेंट होगा. ठीक है, अगर बाग में सारे टॉल है तो इसका रेशियो क्या आया? 4:0. रेशियो क्या आया बेटा इसका? 4:0. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे. यस, अब यहाँ पे आते हैं. अगर यहाँ पे हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो अगर इसका पुनेट स्क्वायर हम बनाएं तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा. यानी बाग के अंदर, गार्डन के अंदर 50% टॉल होंगे, 50% छोटे होंगे. तो जो टॉल वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? हेट्रोजाइगस. सॉरी बेटा, कुछ तो गड़बड़ किया मैम ने. सॉरी, यहाँ वाला गलत हुआ है, ये वाला गलत हुआ है, ये वाला गलत हुआ है. यस, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? हेट्रोजाइगस को इसके साथ करेंगे. ठीक है, कैपिटल टी ये हो गया, ये ऐसे कुछ आएगा. सही बनाया मैम ने? यस, बताओ जरा. डन. तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि हियर यू कैन सी, ये क्या बनाया भाई इन्होंने? अच्छा, ये WW यहाँ पे, मैं ये वाला सेट उधर बना रही हूँ, वो वाला सेट इधर बना रही हूँ. दैट्स व्हाई इट इज कंफ्यूजन. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा बेटा? यस, यहाँ पे क्या होगा? 1:1 रेशियो में आएगा. यानी आधे लंबे आएंगे, आधे छोटे आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट मिलेगा इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस. आया कि नहीं आया समझ में? सबको एक बार बता दो. चलो एक बार वापस बना लेते हैं हेट्रोजाइगस वाला. ये है हमारा इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर. अब तो ठीक है, तो 50% क्या हो गए, टॉल हो गए. 50% टॉल आ गए और 50% आपके डो ऑफ आ गए. अब इसी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे. नाउ आई विल गिव यू वन न्यूमेरिकल टू सॉल्व. लेट्स क्विकली गिव यू न्यूमेरिकल. चलिए, अब ब्लैंक स्लाइड आ गई है एज यू कैन सी. अब हम यहाँ पे फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल टाइम. क्वेश्चन नंबर 1. कल बेटा इसका टेस्ट होगा. कल ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और कल इसका सुबह 1 बजे, सॉरी दिन में 1 बजे स्पेशल क्लास में इसका टेस्ट होगा. ठीक है, अरे कंफ्यूज होने की बात नहीं बेटा. दिशा आ जाओ मैम के साथ, आओ और आराम आराम से सॉल्व करो. ओके, इन अ गार्डन it was seen that red flowers were 459 while white color flowers were 120 in number. ठीक है, ये है. नाउ ऑन द बेसिस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट. चलिए बच्चों, आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आंसर्स इन द चैट बॉक्स एवरीबडी. बेटा क्रैश कोर्स इज ऑन प्लस. बेटा ऑन यूट्यूब वी आर हैविंग हाईलाइट सीरीज. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. कम ऑन मेरे बच्चों, 10 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. यस, 10 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. ना ना ना, बैक क्रॉस नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर बैक क्रॉस थोड़ी है. मैम हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स कैन बी फॉर्म्ड. जल्दी बेटा जल्दी यार, कम ऑन यार. वहां पे 1700 बच्चे तो दिख रहे हैं मुझे. इतना क्या आलस कर रहे हो तुम लोग, फटाफट से बताओ. यस, तो बच्चों ने काफी अच्छे जवाब दिए हैं. अरे मेरे नालायकों, देखो खो गए ना क्वेश्चन में. खो गए नहीं, खो गए क्वेश्चन में. लग तो रहा है खो गए मेरे बच्चे. क्वेश्चन बहुत सिंपल बनाया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया था. सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेशो. ठीक है, अब रेशो 1:2:1 दे रहे हैं. एक सेकेंड, कहाँ है डंडा, कहाँ है. देखो ये रहा. दिस आई हैव गॉट डंडा टुडे. यस बेटा, क्या इतना नालायक काम. 1:2:1 खो गए क्वेश्चन में. डिम्पल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. तो अगर 459:120 करेंगे तो नियर अबाउट जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, 3:1. ठीक है, 3:1 रेशियो आ रहा है. इतना समझ में लगा. 3:1 रेशियो किस में आता है, मोनोहाइब्रिड में आता है या नहीं आता है. बिल्कुल आता है. मोनोहाइब्रिड की कौन सी जनरेशन में आता है, कौन बच्चा मुझे बताएगा. यस, कौन सी जनरेशन में आता है. F2 में आता है. F2 जनरेशन में आता है. F2 जनरेशन का भी हमने क्रॉस बनाया था, तो वहां पे आपने देखा था कि कुछ इस तरीके से ये बनेगा हमारा जीनोटाइप. ठीक है, तो अगर हम ये वाला जीनोटाइप ले रहे हैं तो आर 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 ये बन गया. आगे 3:1 रेशो, आगे 3:1 रेशो. हेंस वेरीफाइड क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन, खत्म. आया कि नहीं आया समझ में क्वेश्चन. खो क्यों जाते हो यार, स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं करते. ये वाले क्वेश्चन शायद मैंने YouTube पे 1000 बार कराए हैं. क्यों खो जाते हो. यस, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेंगे. करें स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन. चलिए दूसरा. एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में भी मैम से ब्लैंक स्लाइड के बिना तुम लोगों का ना खाना हजम नहीं होता, ये तो मैंने जान लिया. सही बता रही हूँ, मतलब एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें ब्लैंक स्लाइड नहीं होगी, बट तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता बिल्कुल भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वैल्यू चेंज कर रही है मैम। चलिए बताइए अब आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? यस मैम 3:1 कैसे बेटा? अप्रोक्सीमेट लगाओ ना, 400 और 120 3:1। अरे तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? 459:120 एग्जैक्ट बनाने बैठो, फिर तो तुम्हारा आंसर निकल लिया फिर तो तुम्हारा आंसर निकल लिया बेटा, फिर तो आंसर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं तब तो आंसर। बता रही हूं ना मैं तुम्हें। यस चलिए अब क्या रहे रेशो, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में खेलो। अबे अरे नालायक जीनोटाइप पूछ रही है मैम क्वेश्चन में, जीनोटाइप फेंकिए क्वेश्चन में, आंसर फेंकिए सीधा। हाँ जितना पूछती हो बस उतना बता देते हो, क्वेश्चन तो देख लो क्या होगा इसका आंसर। 1:1 किस में आया था, तो इसका जीनोटाइप होगा कुछ इस तरीके से। जीनोटाइप ये है। आप कहेंगे मैम आपने कैसे पहचाना? क्योंकि इनका रेशियो 1:1 आ रहा है जो टेस्ट क्रॉस में आता है जब एक हेट्रोजाइगस होता है और दूसरा तो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होता है। ठीक है तो ये आर 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 ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया 1:1 हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी डन एंड डस्टेड हो गया। एक क्वेश्चन और हो जाए मेरे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। अरे कहाँ चला गया भाई। चलिए क्वेश्चन और करेंगे फिर उसके बाद हम वापस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज करेंगे। ठीक है बढ़िया बच्चों बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आ रहे हैं। इन अ गार्डन इट वॉज ऑब्जर्व दैट there were 150 tall plant while 310 were medium and 130 were dwarf. Calculate जीनोटाइप। चलिए आंसर, यस जल्दी बताइए आंसर। यार रॉन्ग क्रॉस कर रही थी मैं। बेटा आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, व्हेन जी स्क्वायर इज विद यू। आप बस यार मैम की क्लास में फोकस रहिए यश, है ना। यस चलिए बताइए रेशो तो बच्चों ने बता दिया, नालायक ये कब बताओगे? अरे अपने मन के आंसर देना कब छोड़ोगे, बस ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस अरे रेशो ठीक है, रेशो नियर अबाउट 150:310:130 तो नियर अबाउट 1:2:1 आएगा। ठीक है ये रेशो आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे इसका क्या है, यस किस किस में क्रॉस करेंगे कि 1:2:1 आ जाए? अरे 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 ये होगा ना जीनोटाइप, ये दिया आंसर। सब ये दिए कि नहीं दिए? बिल्कुल। तो यहां पे बना लेते हैं अनएनसी का है। ये हो गया 1:2:1 1:2:1 आ गया सबको समझ में। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस बेटा आपके डन हो गए हैं। अब नाउ वी शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी अगेन। जो हमारी सीरीज है जरा अब उसको भी कराने दो मुझे। आई थिंक बच्चों को बहुत मजा आया डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द थियोरी पार्ट, है ना। बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया, आई एम सुपर हैप्पी। नाउ हम इसी टॉपिक पे आ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इसका क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया है, वी हैव जस्ट डन द क्वेश्चन। ठीक है यस बिल्कुल। अब देखते हैं कैसे हमने ये पढ़ा, कैसे इन्होंने क्या क्या बोला। लेट्स डू दैट। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between. तो यानी कि यहाँ पे parent red और white है but बच्चा pink है, समझ लो बच्चा pink है। तो blending हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप पहले ये question बताइए, पहले तो ये question बताइए कि blending हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है. नाउ द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन एंटीराइनम, ठीक है, इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा रेड है, ये हमारा व्हाइट है. फर्स्ट जनरेशन में ऑल पिंक, यानी 4:0 जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो भी 4:0. पहली जनरेशन में सारे पिंक कलर के फ्लावर्स आए, ठीक है. वहीं पे एक जनरेशन में हम देखें 1:2:1, 1:2:1, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो इक्वल्स टू फिनोटिपिक रेशियो. दिस इज इंपॉर्टेंट. कहां चला गया? यहां आ गया. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, बिल्कुल. अब यहाँ पे देखते हैं. सो हियर द जीनोटाइप रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटिपिक रेशियो चेंजेस. ठीक है. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. What exactly is dominance? Dominance क्या है? What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle these question, we must understand what a gene does. Every gene, as you know, by now contains information to express a particular trait. तो हर जीन के पास कौन सी information होती है to express as a particular trait? यानी हर जीन, क्या बॉडी के सारे जीन एक्सप्रेस करते हैं? बताना जरा चैट बॉक्स में, क्या बॉडी के सारे जीन एक्सप्रेस करते हैं? यस, जल्दी बताओ. Tell me in the chat box. Yes. अच्छा, डिम्पल कह रही है वो कॉलेज गई है, कोई नहीं. तो सारे के सारे जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते. There are only few genes which expresses in our body. ठीक है. Now if you see diploid organism, there are 2 copies of each gene. कितनी कॉपीज होती है हर जीन की? 2 कॉपीज होती है हर जीन की, which are present as allele. These 2 alleles did not always be identical. ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते, और वो केस कौन सा होता है? हेट्रोजाइगस का. ठीक है. नाउ वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन व्हिच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलरली कंटेन. ठीक है बच्चों, तो ये इतना हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर. कितने पेज हमने कवर किया? आई थिंक 2 या 3 पेज कवर किया अभी तक हमने. हम बहुत ही स्पीड पे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. यस चलो देखते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. एक बच्चा बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहा है. चलो बेटा, अब इस लाइन को समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग, इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे कॉलेज भी जाते हैं और वो साइड बाय साइड हमसे पढ़ते भी हैं, बहुत सारा पढ़ते भी हैं. तो बेटा इट मींस अ लॉट. आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़े. ठीक है. यस. अब यहाँ पे देखते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ these genes, the 2 allelic form. Let us assume that the normal allele produces a normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of. अब देखो ये क्या है, कहना क्या चाह रहा है? एक एलील है, ठीक है. यस, एलील क्या बनाता है? एक एंजाइम. ठीक है. अगर ये एलील मॉडिफाइड है तो एक क्या बना सकता है? एक नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकता है, या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है, या एंजाइम बना ही नहीं सकता है. आप बात समझ रहे हो? एक एलील है जो एंजाइम बनाता है. ठीक है. यस रजत, कोई नहीं बेटा. एक एलील है जो एंजाइम बनाता है. अगर ये एलील मॉडिफाइड है तो ये नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बना सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बना सकता है, या एंजाइम बना भी नहीं सकता है. तो दीज कैन बी चेंजेस अगर कुछ एलील में गड़बड़ हुई है तो. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील. तो पहले केस में क्या है? अगर बेटा मान, अब देखो यहां पे लिखते हैं, ये नॉर्मल एलील है, ये नॉर्मल एलील है, और ये मॉडिफाइड एलील है, ये वाला मॉडिफाइड एलील है. This is modified allele. अब तो केस 1 में क्या हुआ? अगर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है तो केस 1 में आपका नॉर्मल एलील इज समवॉट इक्वल्स टू मॉडिफाइड एलील. ये हो गई इक्वेशन. थम्स अप बोलो. यस, थम्स अप बोलो. ठीक है. वहीं पे इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. वहीं पे सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन. तो ऐसे क्या होते हैं? वेरी कॉमन. ये बहुत कॉमन केसेस है, वेरी कॉमन. ठीक है. बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड. अगर मॉडिफाइड एलील नो एंजाइम बना रहा है तो इस केस में फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। इस केस में फिनोटाइप क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप चेंजेस, ठीक है, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, the phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele. ठीक है, तो generally ये वाला unmodified वाला कौन सा होगा बेटा? Generally unmodified वाला कौन सा होता है? Dominant allele होता है, जबकि जो modified वाला है, जो non functional होता है, वो जनरली रिसेसिव अलील होता है। तो ये लाइन हो गई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे कोडोमिनेंस का। चलो वाटर ब्रेक, एवरीबॉडी ड्रिंक वाटर, 5 सेकंड ब्रेक। मैम जब ब्लेंडिंग होती है तो क्या सारे ऑफस्प्रिंग मीडियम साइज होते हैं? नहीं शिवांशु पटेल, नो, दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियो। जैसे स्नैपड्रैगन के अपने केस में देखा, ब्लेंडिंग हुई बट सारे ऑफस्प्रिंग पिंक कलर के नहीं थे F2 जनरेशन में, इट वाज लिमिटेड ओनली इन F1 जनरेशन, ठीक है। यस, डन बच्चों, सुपर कूल। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ एलील्स, बोलो मेरे साथ एक बार, थोड़ा सा सब्र करके, थांबा, थोड़ा सा थांबा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करके एक बार मैम से सुनो। सबसे पहले कितने टाइप के एलील्स है? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड वाला, ठीक है, कई बार नॉन फंक्शनल भी होता है, जो एंजाइम बनाता ही नहीं है, वो अक्सर रिसेसिव होता है, ठीक है। वहीं पे जो नॉर्मल एलील है वो एक्सप्रेस करेगा, एंजाइम बनाएगा, तो जनरली वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है तो फिनोटिपिक चेंजेस होंगे, ठीक है बच्चों। यस, अब आ जाओ नेक्स्ट, इस पे आ रहे कोडोमिनेंस, यानी कि जहां पे दोनों ही बंदे, यानी मम्मी पापा दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोडोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कोडोमिनेंस, ठीक है। यस मैम आपने मुझे गलत समझ लिया, क्वेश्चन पूछा था। ओ किशोर, कोई नहीं बेटा। यस बेटा क्या होता है ना, कई बार मैम पढ़ा रही होती है, वो तो मैं फिर भी इतना इंटरेक्ट कर लेती हूँ। इफ यू सी अदर टीचर्स, वो चार्ट खोलते भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, कुछ तो चार्ट्स ही देखते हैं, कुछ चार्ट्स में थोड़ा ध्यान देते हैं, कुछ चार्ट्स देखते ही नहीं है। तो टीचर्स भी 3 टाइप के हमारे यहाँ पे। यस तो कई बार ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा डीप इनटू द सेशन होते हैं, बिल्कुल। चलो आओ कोडोमिनेंस देखते हैं। कोडोमिनेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां पे बेटा आपके मम्मी पापा दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसे हम कोडोमिनेंस बोल देते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम बात करें, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 resembles both the parents, यानी जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है वो बोथ पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ना कि आइदर ऑफ देम, ठीक है। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसी दैट डिटरमाइन आरबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कोडोमिनेंस का? यहाँ पे लेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब इसके बारे में मैम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवा रही है जो हर बच्चे को लिखना चाहिए, ठीक है। यस, कहाँ पे? अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट से। देयर इज फ्यू इन्फॉर्मेशन, मैम इज गोना मेक यू राइट। कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने दी थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है। यस, आ जाओ, कार्ल लैंडस्टेनर ने, इन्होंने दी थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने। उसके बाद इसमें 2 चीजें हैं, एक है एंटीबॉडी, दूसरा है एंटीजन, ठीक है। जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही हेरिडिटरी होता है, मतलब कि इनहेरिटेड होता है। कहां से? पेरेंट से। एंटीजन कहां से इनहेरिटेड होता है? पेरेंट से, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम क्या देखेंगे? Yes, if we see here, antigen is present on the surface of RBC, and this antigen is nothing but a sugar, ठीक है, but it is a sugar, it is a sugar, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, लेट्स कम टू द एंटीबॉडी पार्ट। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड में? इट इज प्रेजेंट इन द सीरम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी? सीरम में। कहाँ प्रेजेंट होती है? सीरम में, ठीक है। इट इज नॉट हेरिडिटी, मतलब कि इनहेरिटेड नहीं है, बॉडी खुद से बनाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, बोर्ड्स में मैम न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बोर्ड का पेपर अब अच्छे स्टैंडर्ड का होता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखते हैं, अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसी दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, क्या नाम है जीन का? जीन आई इज द नेम ऑफ द जीन व्हिच कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी हैज शुगर पॉलिमर्स। देखो मैम ने यही लिखा है यहाँ पे, तो आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? शुगर मॉलिक्यूल पॉलिमर्स। आज सुबह खा लिए थे छोले भटूरे और इतने टेस्टी, उसके साथ गाजर का अचार था बेटा, गाजर ठीक है, गाजर का अचार बहुत टेस्टी था, तीखा था, वो भी लगा के खा लिए, अब गले की बज गई बैंड, बिल्कुल ऐसा सो रहा है। ठीक है, यस, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं? शुगर पॉलीमर्स होते हैं दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। सो द जीन आई हैज 3 एलील्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई के कितने एलील्स है? 3। और जनरली एक जीन के कितने होते हैं बेटा? यस, एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2। तो अब एक के हुए 3। दैट्स व्हाई इट आल्सो बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। दैट्स व्हाई इट आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। क्यों? क्योंकि जनरली हमने देखा था एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, यहाँ पे एक जीन के 3 एलील्स है। ठीक है बच्चों, यस। तो इसलिए ये क्या, अच्छा मैंने तुम्हें चिढ़ा दिया, आई एम सॉरी, मेरा मन नहीं था तुम्हें चिढ़ाने का। यस, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 एलील्स हैं, तो क्या क्या हो गया बेटा? आई ए, आई बी एंड आई हो गए 3 तरह के। दैट्स व्हाई इट बिकम एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। नाउ द एलील्स आई ए आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। तो यानी इसकी डिफरेंट शुगर, इसकी डिफरेंट शुगर, ठीक है। वाइल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर और इसकी नो शुगर, इसकी नो शुगर, यानी कि इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी शुगर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेसेस ओनली 2 ऑफ द 3 जीन एलील्स। यहीं से क्वेश्चन मैंने तुम्हें 10 बार बोला है कि ह्यूमन भाई डिप्लॉयड है तो उसके पास तो 2 ही क्या होगी बेटा? 2 ही होगी कॉपीज, एब्सोल्युटली। नाउ आई आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। इन द वर्ड्स व्हेन आई, अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में आता है हमारा आई ए, आई ए, आई ए दिस, आई बी, आई बी, एक हो गया ये और एक हो गया ये, हो गया। अब जल्दी से बताओ क्या क्या होंगे इसके। तो ये होगा हमारा ए ब्लड ग्रुप, ए बी, बी और ये ओ। तो इस तरीके से आपको 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे और एक होगा हमारा ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन विच इज ए बी, एंड दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। दिस केस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, यानी कि इस पे आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह की शुगर होगी। यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह की शुगर प्रेजेंट होगी। आया सबको समझ में? ये क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, जो आप लोग अभी आलस मचा रहे हैं ना, लेट मी टेल यू मैम की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज तुम्हें बहुत याद आएगी। मैं तुम्हें गारंटी से बता सकती हूँ ये बात, आई कैन टेल यू विद गारंटी कि मैम की तुम्हें बहुत याद आएगी जब तुम ये सब चीजें देखोगे। ठीक है, यस। तो आप यहाँ पे देखिए, एलील फ्रॉम पेरेंट टू, फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग, और ये उनके टाइप्स, यही हमने लिखा अभी, यही हमने लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ मल्टीपल एलील्स, यहाँ पे मल्टीपल एलेलिज्म को भी एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने। लेट्स सी हियर मल्टीपल एलेलिज्म। हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। जब सेम कैरेक्टर को मोर देन 2 एलील्स गवर्न करते हैं तो उस फिनोमिना को एनसीईआरटी क्या कहती है? मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है बच्चों, डन। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, जो सीड वाला एक बच्चा क्वेश्चन इतनी देर से पूछ रहा था। चलिए इससे पहले पानी पिएंगे सब। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। नाउ ओकेजनली, लेट्स टॉक अबाउट ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट may produce more than one effect. बेटा ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, फिनोमिना का नाम नहीं लिखे बट फिनोमिना एक्सप्लेन किया, और फिनोमिना का नाम क्या? प्लियोट्रोपिज्म। हर बच्चा यहाँ पे लिखेगा प्लियोट्रोपिज्म। लिखा सबने प्लियोट्रोपिज्म। जब एक जीन, ठीक है, यस, जब एक जीन मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं उसको? प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है, यस। For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has two alleles, B and B. ये दोनों मिलके क्या कंट्रोल कर रहे हैं? Starch synthesis, ठीक है? Starch is synthesized effectively by BB, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं जब ये वाला combination होगा, starch synthesis effectively होगा, synthesis effectively होगा, ठीक है? वहीं पे therefore large starch grains are produced. तो ये जब होगा तो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली होगा, ग्रेन का साइज क्या होगा? बड़ा, बड़ा लिख देते हैं, बड़ा होगा ग्रेन का साइज, ठीक है? वहीं पे बच्चों आफ्टर मेच्योरेशन ऑफ द सीड्स, बीबी सीड्स आर राउंड एंड द बीबी सीड्स आर रिंकल्ड। तो जब हमारे पास ये वाला सिचुएशन होगा, ये वाला, तो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं होगा। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं होगा, तो सीड क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। सीड क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। ये लिखा, सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज अ फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल भी आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि जो बीबी वाले द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज इन बीबी सीड्स, और ये वाले जो सीड्स है इसमें जो स्टार्च जो साइज है इंटरमीडिएट साइज है ग्रेन का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है, यस। Now therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as a gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does a particular phenotype that we choose to examine. अब देखो ये क्या कह रहा है, कितना एक्सप्रेशन होगा उस पर बेस्ड होता है आपका फिनोटाइप, ठीक है? बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसका एक बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, आज सुला दिया कि मैंने तुम बच्चों को। अच्छा, यूज माई कोड मुन्ना लाइव ओ ओ ओ, अच्छा, यस। अब देखो इधर बेटा, इसका सबसे सिंपल से एग्जाम्पल है पैसा। मान लीजिए मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं खर्चा कम करूंगी, मैं बिजली बचाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास चुटकी है, चुटकी बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, रेगुलर बच्ची है, चुटकी के पास बहुत पैसा है, चुटकी कह रही है मैम मैं चुटकी बजा के पैसा खर्च कर दूंगी, तो भाई उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है? वहीं पे फिर आते हैं हमारे कोई बच्चे का नाम देखो, देखो वरुण अग्रवाल, फिर हमारे नहीं उनको छोड़ देते हैं। फिर हम लेते हैं अरे जल्दी बताओ, अरे थोड़ा एलिजाबेथ, अरे एलिजाबेथ भी है। अब हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ ने कहा कि मैम मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं। अब जिसके पास जितना पैसा होगा उतना ही तो खर्च करेगा, सिंपल सी बात है। तो चुटकी बजा के खर्च कर देती है, एलिजाबेथ थोड़ा सोच के खर्च कर देती है, फिर जी स्क्वायर आती है, जी स्क्वायर कहती है ही नहीं, खर्च क्या करेंगे, ठीक है? तो दीज आर द एक्सप्रेशन। ऐसे हमारे पास जीन है, ठीक है? जीन के पास कॉपी है, ठीक है? अगर उसके पास कैपिटल बी है, यानी इसमें ये चुटकी है, तो इन तीनों केस में से चुटकी कौन सी बेटा? यस, इसमें कौन सी है चुटकी बताइए? ये चुटकी हो गई, ये चुटकी है क्योंकि वो चुटकी बजा के पैसा खर्च करती है, बिल्कुल, ठीक है? फिर आते बेटा ये वाला, ये वाली कौन है? हमारी क्वीन एलिजाबेथ, ये हमारी एलिजाबेथ है, सोच के पैसा खर्च करिए बट पैसा है इसके पास, ठीक है? और आपकी जी स्क्वायर कौन है? ऑफ कोर्स स्मॉल बी स्मॉल पी, दिस इज योर जी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो एक्सप्रेशन हो रहा है। देखो इनके मोटे वाले दाने हैं, ठीक है? ये इनके ठीक ठाक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सूखे हुए पी है, क्यों? पैसा ही नहीं था खर्च करने के लिए, है ना बेटा? आया कि नहीं आया समझ में कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, यही आपका एक्सप्रेशन है जो ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करना चाहता है। चलिए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स करेंगे। Let's come to inheritance of two gene. Now this is important concept. अब इसका हम सीधा क्या बनाएंगे बेटा? पढ़ लेना इसको, बट इसको समझा मैं रही हूँ, रेशो बनाना सिखा रही हूँ, इसका जीनोटाइप बनाना सिखा रही हूँ, गैमीट्स बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? चलिए पढ़ लोगे आप, बस पैराग्राफ खुद से पढ़ना है। जो जो पैराग्राफ में लिखा है वो सब मैं यहाँ पे बता रही हूँ बेटे, बस नहीं 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 नहीं, ये सब नाटक नहीं, मैं आज ही पूरा चैप्टर करा दूंगी। यस आज ही पूरा चैप्टर, बेटा देखो मैं सच बता रही हूँ, बच्चे इस चैप्टर का एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, मैं आपको सच बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट। बच्चे पढ़ते हैं इसमें मॉड्यूल, ये तुम्हारी भी स्टोरी है, बच्चे पढ़ते हैं इसमें सिर्फ टीचर के नोट्स, बट बच्चे नहीं पढ़ते एनसीईआरटी। तो जब ये ब्लेंडिंग वाले क्वेश्चन ये सब अड़ते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक बार पढ़ लो, बस एक बार कह रही हूँ, 1 अगस्त तक बस इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी मैं क्वेश्चन करा दूंगी। चलो नींद भगाने में तुम्हें एक चुटकुला सुना देती हूँ, तो कोई नहीं नींद भगाने में चुटकुला सुना देती हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा चुटकुला सुनाऊंगी, खैर आता तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तेरे प्यार में मैं क्या क्या नहीं किया, ठीक है, ऐसे तो कोई एक शायरी थी बेटा। यस चलो चलो कोई नहीं बोर नहीं हो रहा, चलो चलो बी एनर्जेटिक इन द क्लास। चलिए 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 अभी हम डायहाइड्रेट क्रॉस करेंगे, अभी क्वेश्चन कराने वाली हूँ सारे गैमीट वाले, ठीक है। तेरे प्यार में मैंने क्या क्या नहीं किया, कभी मैं बाहर गया तो कभी मैंने पिया बॉर्नवीटा। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा जोक था, कितना अच्छा जोक था। अभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 1:26 पे द मोस्ट थर्ड क्लास जोक, ये देखना कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। यस तो ये लिख देते, इतने बेशरम होते हैं, ये भी लिख देते हैं कि थर्ड क्लास जोक एट 1.26 मिनट्स। यस इतने गंदे बच्चे, इतनी बेइज्जती करते हैं कई बार। यस चलो वाह 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 वाह, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गंदा जोक था, शाबाश मेरे बच्चों शाबाश, बहुत ही गंदा जोक। चलो अब पढ़ाई करेंगे, अब हम यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है भाई। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की बात करेंगे, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की हम बात करें, आ रहा है फिर जोक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेरेंट लेंगे, क्या लेंगे बेटा? पेरेंट लेंगे, ठीक है। ये वो पेरेंट है जो तुम कभी नहीं लेकर जाते पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तुम लेके जाते हो अपने दोस्तों को। यस बिल्कुल, अब वो फोन करा देते ना, अरे आज तो पापा बन जा, बोल दियो कि आज मैं बाहर हूँ और संभाल लियो यार, संभाल लियो, ठीक है, थोड़ी भारी आवाज में बोलियो, ठीक है। पेरेंट जो तुम कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर क्या है? यस मैम हाँ चलो चलो सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में, तेज मत बना करो जी स्क्वायर के आगे। अरे इतने नालायक हैं वो, डाइस मीडिया का ऑपरेशन एमबीबीएस जो अनअकैडमी बनाए हैं उसमें जब मैं कल देख रही 1,21,000 बच्चे वॉचिंग, ठीक है, और बड़े बड़े कमेंट्स भी लिख रहे हैं, हम पढ़ाते यहाँ पे 2-2 घंटे, वहां पे कितने 1,500 वॉचिंग, 2,000 वॉचिंग, वहां पे 1,21,000। हम कहे यार यही सही है, हम भी एक्टिंग कर लेंगे कल से। सच में एक बार ख्याल तो यही आएगा, हम भी एक्टिंग कर लेते हैं, हमें भी क्या करना है, यही तो करना है, हा 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 वेंकट वेंकट वेंकट, यही तो करना हमको भी, हम भी कर लेंगे, वेंकट मेरा दोस्त है, मैं भी वेंकट से बात करूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे को भी आती है वेंकट, मैं उसे क्रीम का बिस्किट खिला दूंगी, अरे तुम वो छोड़ो मैं उसे और भी कुछ खिला दूंगी। कम से कम 1,21,000 बच्चे तो आ रहे देखने के लिए, क्या यार सही में। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया राउंड येलो, राउंड येलो, और ये क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। चलो बोलो मेरे साथ, ये क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। चलो बेटा इसलिए कहते हैं खाया करो कुछ वरना वेंकट बन जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैमीट सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गए आपके गैमीट्स। अभी इनको हमने फर्टिलाइज कराया तो हमें फीलियल 1 यानी F1 जनरेशन मिली, जिसे हमने क्या बोला? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो F1 जनरेशन है ऑल सीड्स आर, ठीक है, यस ऑल सीड्स आर, ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन में मेरे बच्चा पार्टी आपको क्या पता लगता है? सारे राउंड एंड येलो हो गए, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, देखो सबको पता है वेंकट के बारे में, यही वो बच्चे हैं जो उस दिन लाइव सेशन को देख रहे थे, यही वो बच्चे, पकड़ो इन सबको। यस, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गेमीट्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ गेमीट्स। तो नंबर ऑफ गेमीट्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 raised to the power n, 2 raised to the power n, when n equals to number of heterozygous, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगस कितने यहाँ पे 2 हैं, तो 2 raised to the power 2 यानी 2 to the 4 यानी 4 टाइप के गेमीट्स बनेंगे। कितने टाइप के गेमीट्स बनेंगे? 4 टाइप के गेमीट्स बनेंगे, ठीक है। एक होगा कैपिटल आर दिस, यही बनेंगे बच्चों, यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये बन गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जीनोटाइप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जीनोटाइप्स बनाएंगे। 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे हम इसके जीनोटाइप्स बनाएंगे, फटाफट से बनाएंगे, सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे क्विकली। 10 इन द चैट बॉक्स, चलिए जल्दी बताइए। ये YouTube पे कितनी बार बनाए भाई, कितनी बार YouTube पे बनाए, आराम आराम से बनाइए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, ना ही कोई घबराने की बात है, ठीक है। बनाया सबने? बना रहे सब? चलिए जल्दी बताइए। तो कुछ ये आ गया आपका, इसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा और इसका फिनोटिपिक रेशियो से क्वेश्चन आता है 9:3:1। यह आपका फिनोटिपिक रेशियो है, यहीं से क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। लिखा सबने? डन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ लेट्स रीड। अब देखो कुछ कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट है टू जीन्स के बारे में। येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो यहाँ पे हमने 2 जीन की बात की है। कितने जीन्स की बात कर रहे हैं? 2 जीन्स की बात की है, ठीक है। ये हमने पूरा बना लिया बच्चों, है यू कैन सी वी हैव मेड इट एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ। यस बेटा, इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू होगा, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रही हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप विद कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई ओनली इन 1 कॉपी। बेटा क्वेश्चन बहुत धमाकेदार बना है, थोड़ा सा सोचो और आंसर देने की कोशिश करो। 10 सेकेंड, कम ऑन। क्वेश्चन बहुत धमाकेदार बनाया मैम ने, थोड़ा सा सोचो और आंसर देने की कोशिश करो, थोड़ा सा थिंक, थोड़ा सा थिंक बच्चों, थिंक व्हाट इज आंसर। यस, कैसा जवाब? कैपिटल दिए, कैपिटल, ओहो यहाँ पे कैपिटल, यस माय मिस्टेक, 1/16 आंसर था। अरे मेरे गधो, क्या समझा तुमने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप विद कैपिटल आर कैपिटल वाई ओनली इन 1 कॉपी, है 1 कॉपी। ये 2-2 कॉपी वाले, इसको कैंसिल, इसके पास 2 कॉपी है, वह कैंसिल, 2 कॉपी है वाई की, कैंसिल, 2 कॉपी वाई की, कैंसिल, 2 कॉपी आर की, कैंसिल, 1। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 1 2 3 4, 4/16, 1/4 प्रोबेबिलिटी 0.25। बेटा जितनी जल्दी तुम गिरगिट की तरह बदलते हो ना, शायद गिरगिट भी शर्मा जाएगा तुम्हें देख के। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। बेटा तुम गिरगिट को भी समझा, यू नो परेशान कर दोगे कि भाई तू भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम बदलते हैं आंसर में। जैसे हम बीच में क्वेश्चन सुन लेते हैं जी स्क्वायर से। बेटा यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया करो। वो कह रहे कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई सिर्फ एक कॉपी में प्रेजेंट होना चाहिए, दो कॉपी होगा तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। आया सबको समझ में? अब समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस वाले क्रॉस से, तो इसे बहुत जरूरी है आप इसे ढंग से पढ़े, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, वरना जो तुम आंसर देते हो वो भी ऑप्शन के फॉर्म में हमेशा ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे यहाँ पे। लेट्स डू दिस नाउ इन द डायहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए आपको हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करनी होती है। ठीक है, द फिनोटाइप ब्राउन येलो रिंकल्ड येलो दिस 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 अपीयर्ड इन द रेशियो 9:3:1। ठीक है, नाउ बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस Mendel proposes second set of generalization that we call law of independent assortment. The law states that, यहाँ से main बात शुरू हुई है, the law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other. अब इसका मतलब क्या? अब देखो देसी मतलब समझो इसका, यहाँ पे लिखो इसका देसी मतलब। What is the देसी मतलब of this line? कि मान लीजिए आप स्कूटी चला के जा रहे हैं, क्या चला के जा रहे हैं बच्चों? स्कूटी चला के जा रहे हैं। ठीक है, आपने स्कूटी चलाई, आप चले गए। अब दूसरा दोस्त है वो भी स्कूटी चला रहा है। ठीक है, दो स्कूटी यानी दो जीन्स है। एक जा रहा है मान लीजिए छोले भटूरे खाने, एक जा रहा है पिज्जा खाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं ना दोनों, भांजी तो नहीं लगा रहे। अब एक जा रहा है छोले भटूरे खाने, दूसरा कह रहे ना 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 चल 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 तू चल पिज्जा खाने चल चल चल, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीन है, दोनों जीन आपस में इंडिपेंडेंटली किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं। कहां पे? नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नाउ द पुनेट स्क्वायर आप यहाँ पे देखेंगे। दिस वी आर मेड कंप्लीटली सो वी कैन स्किप दिस पार्ट। दिस इज ऑल कैलकुलेशन जहां पे 16 टाइप ऑफ स्क्वायर्स बने थे विच वी हैव ऑलरेडी मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या शुरू करेंगे अब हम? क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यस, आ जाओ अब ये शुरू करते हैं। ओके चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में? यस, किसने दी थी? रास्ते पे चिल्ला रहा। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, होली आने वाली है। होली के दिन एक तो बेटा सुबह सुबह इतना बच के आना पड़ता है, गली में ना वो छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ लो। अभी हमारा इलाका बदल गया ना, तो आजकल हम ज्यादा गुस्से में बोल भी नहीं सकते। वैसे हमारी शक्ल पे गुस्सा आता नहीं है, तो बच्चे आते हैं ऐसे, दीदी 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 गुब्बारा मार दूं। अच्छे बच्चे, मतलब कॉलोनी के अच्छे बच्चे हैं, तो वो पूछ के गुब्बारा मारते हैं। मैं कहता हूं अरे मारना ऐसे मार दे, पूछ के क्या मारना। तो इट हैपन्स। ठीक है, और वहीं पे मेरी जो पुराने वाली कॉलोनी थी, वहां पे इतने दड़ियल बच्चे, इतने नालायक बच्चे, वहां ऊपर बालकनी से फेंकते थे जा जाके गुब्बारे। दिस हैपन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ रहे थे एक सवाल कि बेटा यार व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी। तो यहाँ किसने दी थी? सटन एंड बोवरी ने दी थी। हु गेव दिस थ्योरी? सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, बेसिकली इन्होंने वही बात की जो मेंडल ने कही, बट मेंडल ने हमें क्रोमोसोम के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने हमें क्रोमोसोम के थ्रू बताया। सो बेसिकली दे वर्क्ड एंड basically approved the theory of Mendel but on the basis of chromosomes. ठीक है, but on the basis of chromosome. ठीक है, so Mendel published his work on inheritance of character in 1865 but for several reasons it remained unrecognized till 1900. तो काफी साल तक तो पता ही नहीं लगा किसी ने इतना बड़ा काम भी कर दिखाया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। Let's see. This would be the last topic for today. After that we'll be winding up the session. ठीक है, yes. Now communication was not easy in those days and his work could not widely be published. Secondly, the concept of gene of factor in Mendel worked as stable and discrete unit that controlled the expression of trait of the pair alleles did not blend with each other was not accepted. ये accept ही नहीं कर रहे, जैसे कि आपने देखा डार्विन ने ignore कर दिया था। मैम दीदी बोलते हैं आंटी, शुभांगी रुको, शुभांगी टच, यस शुभांगी टच, दीदी मतलब आंटी मतलब। अरे मेरे बच्चों कैसे से हो यार, कहाँ मैं इतनी प्यारी सी तो हूँ, तुम लोग ऐसी बातें करते हो। चलो पढ़ो इधर। 1900 यहां से मेन लाइन शुरू होती है बेटा 1900 से। लड्डू, थ्री साइंटिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्री साइंटिस्ट, डे व्रीज, कोरेंस एंड शेरमाक, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डे व्रीज, कोरेंस, शेरमाक, ठीक है। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम कि 1900 में किसने इनके काम को वापस रीडिस्कवर किया, ठीक है। Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully see the cell division, ठीक है, yes. तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, मेरे को पता लग गया। This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. This was called chromosome. तो ये क्रोमोसोम थे। By 1902, Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and chromosome movement, ठीक है, which basically Mendel proved, ठीक है। कोई नहीं, इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। और इतना ही था, ओ गॉड, यानी जो ही मैम ने एग्जैक्टली उतना ही बनाया जितना उन्हें पता मैं एक्सप्लेन कर पाती। तो बेसिकली आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते बेटा, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। ऑलमोस्ट एवरी डे वी वाइंड अप इन 2 आवर और 1 आवर 40 मिनट्स क्लास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस। पिंकी आंटी छोड़ के बेटा पीछे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर जरूर करना। और बेटा जो भी आपको लगता है आपकी हेल्थ इश्यूज है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिसर्च एंड आई विल मेक वीडियोस फॉर यू। और आज 3 बजे बेटा प्लस की क्लास है, जितने भी हमारे प्लस वाले बच्चे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड माई क्लास एट 3 o'clock। आई हैव स्टार्टेड 60 days क्रैश कोर्स फॉर यू पीपल, ठीक है। एंड कल स्पेशल क्लास भी होगी 1 o'clock, जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताना है अबाउट द फ्री स्टडीज दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, यस। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे एंड विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर। चलो बाय बच्चों।